पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग विषय सीखेंगे वह है ग्रहों के शुभत्व और पापत्व क्या है, शुभ और पाप क्या हैं, किसी ग्रह को हम लोग शुभ कहते हैं, किसी ग्रह को पापी कहते हैं, किसी ग्रह को क्रूर कहते हैं, आखिर ये क्या है। कुंडली के अध्ययन करते समय, फलादेश करते समय आप सुने होंगे कि अमुक पापी ग्रह है तो अमुक शुभ ग्रह हैं। क्या सचमुच में कोई ग्रह पापी होते हैं? क्या वह पापी जैसा कर्म करते हैं? नहीं। ज्योतिष में पाप और शुभ की चर्चा की गई है। जिन ग्रहों को पापी के नाम से संबोधन किया गया है वह पापी स्वाभाविक रूप से नहीं होते हैं तथा वे ग्रह स्वाभाविक रूप से अशुभ और अनिष्ट फल देते हैं जो उनको पापी के रूप में कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार शुभ ग्रह स्वभावतः उपकारी एवं शुभ फल देते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि ये कभी कभी अपने उल्टा भी फल देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी समय और संगति के प्रभाव होने से और प्रभाव में आ जाने से अच्छा काम भी कर जाते हैं। उसी प्रकार ग्रहों के बारे में भी अनुभव करनी चाहिए। कुंडली के फल कथन के समय ऐसे बहुत तरह के संयोग दिखते हैं। पाप ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, शनि और केतु, ये पाप ग्रह बताया गया है तथा गुरु और शुक्र को शुभ ग्रह बताया गया है। बुध भी शुभ ग्रह ही हैं पर इस पर संगति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि यह शुभ ग्रह के साथ हैं तो शुभ फल देते हैं, अशुभ के साथ होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। यदि बुध अकेला है तो शुभ हो जाते हैं तथा चंद्रमा जब अपनी पूर्ण ज्योति में रहते हैं तो अशुभ और क्षीण चंद्र को अशुभ फल देने वाला बताया गया है। इस बारे में यह कहा गया है कि शुक्ल पक्ष एकादशी से कृष्ण पक्ष पंचमी तक चंद्रमा शुभ और षष्ठी कृष्ण पक्ष से दशमी शुक्ल पक्ष तक क्षीण होने के कारण अशुभ होते हैं, परंतु चंद्रमा का सभी बातें समझने से पता चलता है कि शुभ ग्रह में ही ये आएंगे तथा यह शुभ दृष्ट चंद्रमा शुभ होते हैं। इस प्रकार हम लोगों को शुभत्व और पापत्व की बात को समझना चाहिए। यानी कहने का मतलब कुल मिला जुला करके सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये पांच ग्रह जो है पापी कहे गए हैं, इसलिए कि वो हमेशा मानव के लिए वह शुभ नहीं बताए जाते हैं। उनको एक भ्रमण करने में सही समय नहीं लगता है, क्रूर दृष्टि होता है। मंगल जो होते हैं वह है बहुत ही दुष्ट व्यवहार का आचरण करते हैं देते हैं। शनि जो है बहुत लंबे समय तक एक राशि परिवर्तन करने में समय लगता है, इसलिए शनि भी अपने प्रभाव जो है दुष्प्रभाव ही देते हैं। राहु केतु के प्रभाव तो आप लोग समझ ही रहे हैं, किसी का सिर तो किसी का पूंछ, तरह तरह की बातें बताया गया है। वेदों का अध्ययन भी समुद्र मंथन के समय की बात आप जानते ही हों कि राहु केतु उनका नाम कैसे पड़ा। इन सब बातों को अध्ययन करने से पता चलता है कि हमारे मानव जीवन में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इत्यादि ये पांच ग्रह जो हैं ये सब असुर हैं जो सुफल नहीं देते हैं। सुफल नहीं देने के कारण इन्हें पाप ग्रह कहा गया है तथा
गुरु और शुक्र को शुभ बताया गया है। बुध भी शुभ ही हैं, लेकिन जैसे गिलास में रंग रहता है, पानी रहता है, वैसा अपना बुध रूप बना लेते हैं। यदि वह स्वतंत्र किसी भाव में रहते हैं तो वह अच्छे फल देते हैं, लेकिन वही चंद्रमा जो हैं, चंद्रमा भी अपने कलांशों के अनुसार वो जैसे जैसे उनके कला का परिवर्तन होता है, वैसे वैसे शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति मानव जीवन पर असर डालते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज अध्ययन किया कि शुभ तो पापत्व क्या है, शुभ और पापी ग्रह क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखने की कोशिश किया। तो शुभ और पापी की बात आप लोग प्रायः समझ गए होंगे। वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो लाइक से तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।